लिए खुशखबरी, 19वीं किस्त की ऑफिशियल घोषणा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19वीं किस्त के लिए दीपावली का तोहफा के लिए जो है 19वीं किस्त के लिए घोषणा पीएम मोदी ने कर दिया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, हम दीपावली का भी तोहफा देने वाले हैं आपको। ऐसा मत सोचिए कि 18वीं किस्त भेज दिए 2000 का तो हो गया, तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे हम। और यही गिफ्ट का इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर रहे थे कि आखिर किसानों को गिफ्ट कब मिलेगा। हर व्यक्ति को तो गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन किसानों को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। कहीं भी कोई नौकरी करता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है हर एक जगह पे, तो पीएम मोदी का भी हक बनता है ना। अब यहाँ पे दीपावली से ठीक पहले किसानों को पीएम मोदी तोहफा जारी करने वाले हैं। और यहाँ पे संबोधित करते हुए जैसा कि देख सकते हैं कि हाथ लगाए हुए हैं एक बोर्ड को, और जिसमें लिखा हुआ है कि दीपावली का तोहफा जारी होने वाला है। एक और चीज समझ लीजिए कि किसानों को 17वीं किस्त 2000 का मिला था, 18वीं किस्त भी 2000 का ही मिला था, लेकिन 19वीं किस्त 4000 रुपये का मिलेगा। गिफ्ट का मतलब ही यही होता है कि जो राशि मिल रही है उसकी दोगुनी आपको अलग से दिया जाए, उसको गिफ्ट बोला जाता है। और ये पीएम मोदी ने ऑफिशियल घोषणा 19वीं किस्त की करके जो गिफ्ट है वो जारी करने वाले हैं। पूरा मैटर समझाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में अब तक जो है 18वीं किस्त जारी हो चुकी है, और अब किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त जारी होने वाली है, और 19वीं किस्त की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो जिसका इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर रहे थे। अब हम कुछ मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें क्या बोला जा रहा है, सुनिए। चलिए पहले एक वीडियो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया। एक क्लिक से किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दिवाली से ठीक पहले नकद पाकर किसान गदगद हैं। खेत से खाते तक ये प्रधानमंत्री का किसानों से कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट नरेंद्र मोदी का गुजरात से भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीपावली का गिफ्ट बांटा जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। जैसा कि देख रहे हैं दीपावली से पहले दीपावली का तोहफा किसानों को मिलना शुरू हो चुका है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त वो भी 4000 रुपए की पीएम मोदी ने जारी करना शुरू कर दिया, जिसका इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर भी रहे थे कि यार कम से कम पीएम मोदी को 4000 रुपए फिर से भेजना चाहिए। और पीएम मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम भी पीएम मोदी ने घोषणा किया था, वादे किए थे कि हम दीपावली में गिफ्ट देंगे तो देंगे। सुनिए पूरी जानकारी, हम आपको डिटेल के साथ बता रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे वीडियो को चाहे तो आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो देखिएगा तब ये आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। पूरी जानकारी डिटेल के साथ बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। और चलिए हम डायरेक्ट पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुना रहे हैं, देखिए और उसके बाद बताते हैं। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ, दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और आज एक ऐसा अवसर है। मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। मैं इस दिवाली के पहले ही पैसे का पोतरा खेती के अनेक महत्वपूर्ण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी लाइव संबोधन करके किसानों के बैंक खाते में ये राशि जारी कर रहे हैं, और डायरेक्ट पीएम मोदी लाइव संबोधन कर रहे हैं और डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में ये राशि जारी कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं। तो हर जगह जो है इस प्रकार से घोषणा किया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दीपावली से पहले 4000 रुपए की 19वीं किस्त, और इसको तोहफा बोला जा रहा है, गिफ्ट बोला जा रहा है हर जगह आपको। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। तो जैसा कि मोदी ने पैसे ही नहीं दिए, दिवाली बोनस भी दिया। तो यहाँ पे हर जगह जो है आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि दीपावली का बोनस, दीपावली का गिफ्ट जो है वो जारी हो रही है। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि ये आपको 4 से 5 दिनों बाद ये राशि आपके बैंक खाते में आएगी, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, जिसमें बैंक का जो है बैंक बंद होता है, जो बैंक का अप्रूवल सिस्टम होता है उसमें सारे कर्मचारी जो है वो छुट्टी पे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके बैंक खाते में राशि आने में। लेकिन घबराए नहीं, बहुत जल्द आपके बैंक खाते में इसकी राशि आने वाली है। हो सके तो आप DBT के पोर्टल पर इसकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए।